देखो भाई। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका राज एंड किरण ब्लॉग्स में। और जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो कायरव का चेकअप था वो नहीं हुआ था, मतलब जो टेस्ट उन्होंने लिखा था, तो उसकी अपॉइंटमेंट हमें आज बस आ गई क्या? तो बस आ गई, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल कर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, बना है तू ढाल का सब आसमान है। तो इस जमाने का गुजर, ऐसी राह से गुजर, जी उठे बागेश्वर आवे और कदा हो गया। चल इसका पकड़ ले, स्टार्ट आ रहे आ रहे। क्या राजा, इधर देखो भाई, हीरो इधर 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 देख, इधर देख, इधर इधर ऐसा हो रखा है बिल्कुल जैसे कंगारू के पेट ना हो।
तो कायरव का बोन डेंसिटी चेकअप हो गया है और वैसे तो उन्होंने नॉर्मली कहा है, बाकी रिपोर्ट हमें दूसरे डॉक्टर से लेनी है क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही वहाँ चली जाती है सिस्टम से ही, तो वहाँ जाके लेनी पड़ेगी। तो वो अभी मिल जाएगी या उसके लिए टाइम लगेगा? तब डॉक्टर बताएगा, मुझे भी नहीं आएगी क्योंकि नॉर्मली लेट आते हैं ना रिपोर्ट। तो उसने बोला है ना सब नॉर्मल है, तो मतलब अभी मिल जाएगी रिपोर्ट, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो सब कुछ ठीक ठाक है क्योंकि मुझे ना पता नहीं, खुद में ही ऐसा फील होता रहता है कि किसके पैर टेढ़े हैं, इसकी कमर टेढ़ी है, मुझे ऐसे ही मतलब। अब बच्चों को कुछ पता नहीं चलता ना, उसने घुटने भी ऐसे ऊपर किए होते हैं, तो मुझे ये लगता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जब ये चेकअप हो गया तो सब कुछ नॉर्मल बताया उसने, तो थोड़ी सी तसल्ली हो गई। और तो ये है हॉस्पिटल, ये अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं इसके, जगह जगह ब्लॉक्स, जैसे जहाँ मैं, आपने अगर मेरे पुरानी वीडियो देखी होगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वहाँ एक ही मतलब एक ही बिल्डिंग में था सारा कुछ। यहाँ ये बड़ा हॉस्पिटल है तो यहाँ ब्लॉक्स में बने हुए हैं हर एक चीज़ें, तो इसलिए हर डिपार्टमेंट का अलग ब्लॉक्स है, एक ही बिल्डिंग नहीं है मतलब। तो अभी निकल रहे हैं हम हॉस्पिटल से बाहर और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी शॉपिंग की जाए कायरव के लिए, औरों के लिए तो नहीं, कायरव के लिए शॉपिंग की जाए क्योंकि कायरव के पास जो भी कपड़े थे वो सारे छोटे हो गए हैं। तो सोच रही हूँ थोड़ा से मतलब नए कपड़े लिए जाए क्योंकि कियारा के कपड़े, कियारा के पास तो बहुत कपड़े हैं छोटे लेकिन वो सारे गर्ल्स कपड़े हैं, इस वजह से फिर कायरव के लिए लेने पड़ रहे हैं हमें। मतलब कि वैसे तो लेने ही थे पर थोड़ा सा होता ना कि चल जाता है भाई बहनों का, बट उसके पास ऑप्शन नहीं है बॉयज़ वाले, तो इस वजह से।
तो अभी यहाँ पे इतना सारा कुछ देखने के बाद में मैडम को कुछ पसंद नहीं आया और एक एक ड्रेस सारी देख ली है जो भी थी, लेकिन पसंद नहीं आया और अब सोच रहे हैं अगले फ्लोर पे जाएं। तो यहाँ से इस पे दो फ्लोर हैं शायद बेबी के ड्रेस वाले, तो अब सेकंड फ्लोर पे देखते हैं, वहाँ पे अगर कुछ पसंद आता है तो वहाँ से लेंगे। और ये हम जाएंगे अभी सेकंड वाले पे, सेकंड फ्लोर पे। तो इसमें दो डिपार्टमेंट हैं चिल्ड्रंस के ड्रेसेस के, शायद देखते हैं वहाँ पे कुछ पसंद आ जाए अगर, तो देखते हैं और दिखाते हैं आपको भी। तो आई थिंक यहाँ से तो पसंद आ जाने चाहिए कपड़े, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ से भी पसंद नहीं आएंगे फिर तो क्या कह सकते हैं, पर यहाँ से शायद आ जाएंगे। पहुंच गए हम घर, और ये कियारा की हैट मैंने पहनी हुई है क्योंकि उसका भी उसे जैसे पता चलता है कि अब बस से उतर गए, अब घर पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे करके उसकी एक एक करके चीज़ें उतरने लगती है। सबसे पहले वो मास्क उतार देती है, पर चलो ये चीज़ अच्छी है कि वो सीख गई है। अब बिल्कुल भी मार्केट वगैरह में जहाँ पर उसे पता है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर वो मास्क पहन के रखती है, बस जैसे ही गाड़ी से उतरेगी वैसे ही डस्टबिन दिखेगा उसको और वहाँ पर मास्क उतार के फेंक देगी। फिर ये हैट उतारी उसने, अब अंदर जाते जाते अपने सैंडल रिमूव करेगी और अंदर फिर जैसे घुसेगी वो हमें सांस भी नहीं लेने देती, सीधे बोलते हैं मेरे कपड़े चेंज करो। तो ये चीज़ है, वैसे तो अच्छी आदतें हैं पर जब वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ती है किसी चीज़ को लेकर ना, तो उस टाइम पे बड़ा गुस्सा भी आता है। और ये कह रहे हो मज़े से बैठा है इसके अंदर, लेकिन मेरी आफत आ गई है। ये है कि हाँ हाथ फ्री रहते हैं, बेबी ऐसा लगता है कि हाँ सिक्योर है, बट कमर की बैंड बज जाती है, कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। और ये मेरा आज फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि बेबी को मतलब इतना दूर ले जाना, यहाँ तो कंगारू बोलते हैं इसे, बाकी कंगारू हाँ तो कंगारू मतलब कंगारू को कंगारू ही बोलते होंगे यहाँ। हाँ तो इंडिया का मुझे नहीं पता, वैसे बेबी कैरियर होता शायद ये कंगारू, पता नहीं इंडिया में। तो और ये आ गए हम अपनी ग्रीनरी में वापस, हर जगह ग्रीन ग्रीन दिखेगा आपको। और आजकल तो होटल खुलने वाला है तो सफाइयाँ वगैरह ग्रीन का है यार, सब कुछ हो गया है, ग्रीन का हो गया ना, पानी वानी डालना। कैमरे पे ग्रीन दिख रहा है क्योंकि मैं ऊपर का एरिया दिखा रही हूँ। गार्डन तो सूखा है, गार्डन सूखा हुआ है, गार्डन अब 15-20 दिन में हो जाएगा है ना, जब वो पानी वगैरह अच्छे से केयर करेंगे तो 15-20 दिन में आपको गार्डन भी हमारा ग्रीन दिखेगा। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और कियारा भी, चलो मम्मा के पास चलो, मम्मा को बोलो पानी के, चलो उसको तो बस एक्साइटमेंट होगी कब मैं ये चीज़ें खोलूँ। पहले शॉप पे बैठो, वेरी गुड। शूज निकालो, सैंडल निकालो भाई, रिमूव करो जल्दी। वेरी गुड। वो क्रियोन्स को लेकर इतनी एक्साइटेड है, उसे समझ नहीं आ रहा कहाँ से खोलूँ मैं इसको। नहीं है बच्चे, मुझे नहीं खोलना।
चलो भाई मैं भी जाती हूँ अंदर। The next day, हेलो गाइस, तो आज दूसरा दिन है। कल जैसे कि आपने वीडियो में देखा, रिपोर्ट नहीं ले पाया मैं, क्योंकि जो डॉक्टर था जिससे हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे या चेकअप करवा रहे थे, तो डॉक्टर थे नहीं, तो कोई दूसरा डॉक्टर फिर दे नहीं पाया रिपोर्ट, और फिर मुझे आज आना पड़ा खाली रिपोर्ट लेने। तो बाकी रिपोर्ट में तो सब ठीक है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट निकाल के दे दी है और अभी जा रहा हूँ। तो ब्लॉग में आपको राज ने बता ही दिया होगा कि रिपोर्ट हमें उस दिन तो नहीं मिली थी, तो इसलिए हमें मतलब राज को अगले दिन जाना पड़ा। डॉक्टर से पूछ लिया था कि राज ने कि मतलब बच्चे को आना ज़रूरी है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिपोर्ट लेने कोई भी आ सकता है। तो फिर राज ले गए थे। मैं तो कह रही थी कोई फ्रेंड वगैरह हो आपको, उसे अगर मतलब देने इसलिए जाना होगा तो वो ले आएगा, बट राज ने कहा कि ऐसे कौन हॉस्पिटल कौन जाएगा, क्योंकि अभी तो वैसे ही कोरोना की वजह से लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। और रिपोर्ट हमें इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जिनसे मतलब कायरव की वैक्सीन वगैरह होती है, कायरव की आरा दोनों की, तो उनके पास देना ज़रूरी होता है। वो वैसे तो इस टाइम दूसरी बार होना था कायरव का, क्योंकि एक दो महीने आई थिंक है ना, तीसरे महीने होता है, बट तीसरे महीने हम नहीं करवा पाए थे क्योंकि एक तो कार्ड नहीं बना हुआ था कायरव का, और उसमें और फिर जब कार्ड बन के आया तो फिर लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से भी नहीं, और फिर कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं डर लगा ही रहता है, क्योंकि लॉकडाउन होने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल तो जा सकते थे, बट लॉकडाउन होने का मतलब यानी कि बीमारी कोरोना ज़्यादा फैल गया है, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि अवॉइड किया जाए हॉस्पिटल जाना। तो फिर अभी हाँ, बट वही है ना कि उनको भी अपडेट करना होता है, यहाँ पे तो हर चीज़ सिस्टमेटिक होती है, तो इन्हें अपडेट करना बहुत मतलब हमसे ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये चीज़ें हमसे कंप्लीट करवाना, तो ये था। तो फिर अभी कायरव को मतलब 6 मंथ लग गया है, तो सॉरी 6 मंथ लगने वाला है, तो इस बार उसका वैक्सीन नहीं होगा, 6 महीने के बाद होगा, यानी कि अगले महीने होगा, मतलब जब कायरव 6 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसकी वैक्सीन होगी, तो उस दिन हम उससे रिपोर्ट को दे देंगे। तो आई होप ये था हमारा क्या बोल रही हो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।